सो एक ऐसा वेलकम बैक टू द मेकिंग वीडियो स्टेशन। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं यामाहा SXR 155 पे। तो इस गाड़ी को हम पर्टिकुलर एक एडवेंचर लुक की तरह हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी जो कस्टम सीट्स आप देख रहे हो, तो वो सीट्स बहुत ही फ्लैट है, तो उसको हम आप कंफर्टेबल नहीं, अगर आप एडवेंचर में इस बाइक को इस सीट्स के साथ आप चाहते हो तो आप मुझे नहीं लगता कि वो कंफर्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी सीट्स हो उसको मैंने यहाँ पे हटा दिया और उसकी जगह स्पोर्ट्स बाइक की जो सीट्स आती है तो उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बिकॉज ये सीट्स बहुत ही अच्छी होती है और आप यहाँ पे कंफर्टेबली इस सीट पे बैठ सकते हो और आप राइडिंग कर सकते हो। तो प्रॉपरली यहाँ पे जो सीट्स है उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, प्रॉपरली इसको जो फिक्स कर दिया है, और उसके साथ यहाँ पे जो सीट्स है उसके साथ मैंने यहाँ पे कैरियर का भी यूज़ किया, बिकॉज आप अपने एडवेंचर में जाओगे तो आप राइडिंग करोगे तो आपके साथ कई सारा सामान आपका होगा, तो इस कैरियर की वजह से आप अपने सामान को वहाँ पे लोड कर सकते हो, मतलब अच्छी तरह से आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हो, उसके बारे में तो आपको आगे पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे उसकी जो डिज़ाइन है, मतलब हेडलैम्प के ऊपर आपको कोई भी ऐसी मतलब नॉर्मल बाइक्स आती है तो उस टाइप की डिज़ाइन लगेगी, बट यहाँ पे हम उसकी डिज़ाइन को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक प्लास्टिक की जो विंडशील्ड है उसका यूज़ किया है, बिकॉज हमें ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी जो एयर विंडशील्ड आती है तो उसका भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मैंने, बिकॉज आप टॉप स्पीड पे गाड़ी मतलब हाई स्पीड पे आप अपनी कार बाइक को चला रहे हो तो बाइक जो एयर आती है वो सीधी आपके ऊपर नहीं आती, विंडशील्ड के वजह से आपको प्रोटेक्शन इसका मिल जाएगा, तो ये भी फायदा इसका हो सकता है। और आप अगर विंडशील्ड लगा रहे हो तो आप जो कन्वर्टेबल विंडशील्ड हो, मतलब आप उसको ट्रांसफर कर सको, मतलब ऊपर नीचे आप उस विंडशील्ड को कर सको, तो वैसी विंडशील्ड आप अपनी बाइक में लगवाना। तो यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पे आप जो एक टॉप बॉक्स में भी मैंने जो पीछे एक टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल किया है, और उसके साथ यहाँ पर जो मैंने साइड में एक साइड बॉक्स भी मैं यूज इंस्टॉल कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी वजह से आप अपनी राइडिंग में आप अपना सामान उस टॉप बॉक्स और साइड बॉक्स में आप रख पाओगे और आप अच्छे से आप अपनी राइडिंग कर पाओगे। तो सो नाउ टाइम इज द सी द फाइनल मॉडिफिकेशन इमेज। तो फाइनल मॉडिफिकेशन इमेज इज दिस। तो आपको ये इमेज कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपनी डिज़ाइन और अपने स्केचेस को मैं वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ, और वहाँ पे अपने आपको ये सभी फ़ोटोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।